नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ। विषय: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के संदर्भ में। द 9th of January 2023, उत्तर प्रदेश बंद। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपसे निम्नलिखित मांग करता है। के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में दी 11th of May 2010 एवं विकास किशनलाल गवली बनाम भारत सरकार के मामले में दिनांक द 4th of March 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण द 27th of December 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिस पर माननीय सुप्रीम ने स्थगन आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल न करके ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करना भाजपा की ओबीसी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी के साथ न्याय करते हुए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने द 27th of September 2022 के ही अपने निर्णय में ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। पहले से ही ओबीसी को संख्या के अनुपात में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद ओबीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने से ओबीसी की हकमारी और अधिक होगी। इसलिए हमारी मांग है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में डालने के बजाय उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए, ताकि ओबीसी और ट्रांसजेंडर दोनों के साथ न्याय हो सके। कानपुर से संवाददाता अंशु कुमार की खास रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। चौधरी विकास पटेल आप पंजाब करो, हम हमारे साथ हैं। आज चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। माननीय वामन मेहता आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। माननीय वामन, मेरा नाम विक्रम अम्बेडकर है। क्या कार्यक्रम है? कानपुर नगर से आज हम लोग पूरे उत्तर भारत उत्तर प्रदेश बंद करके ऐलान कर रखा है। नगर निकाय चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ही अगर सरकार नहीं मांग रही है, इसके लिए आज उत्तर प्रदेश हम लोग ने बंद कर रखा है। इस देश में ओबीसी की जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं हम लोग। इस देश में हिजड़ों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। आज़ादी के 70 साल बाद भी ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं हो रही है और हमारे ओबीसी भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बंद कर रखा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आज हम लोग पूरे देश में आंदोलन करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ। विषय: नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के संदर्भ में। 9 जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश बंद की कार्रवाई। महोदय, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपसे निम्नलिखित मांग करता है। नंबर एक, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 21 मई 2010 एवं विकास किशनलाल गवली बनाम भारत सरकार के मामले में 4 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिए थे, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर अमल ना करके ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र करना भाजपा की ओबीसी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी के साथ न्याय करते हुए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए। नंबर दो, इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 27 सितंबर 2022 के ही अपने निर्णय में ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी में शामिल करने के आदेश दिए हैं। पहले ही ओबीसी की संख्या के अनुपात में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है,
इसके बावजूद ओबीसी में ट्रांसजेंडर को शामिल करने से ओबीसी की हकमारी और अधिक होगी। इसलिए हमारी मांग है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी में डालने के बजाय उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए ताकि ओबीसी और ट्रांसजेंडर दोनों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद। उच्च अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय अवगत करा दिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।